राजेश कुमार, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर कल वोटिंग होगी। शनिवार को इसके लिए चुनाव प्रचार थम गया तो नेताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क करना शुरू किया। चौथे चरण के चुनाव में बिहार की 5 सीटें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चुनाव है। ये सीटें मिथिला और मध्य बिहार के क्षेत्रों में आती हैं। बेगूसराय छोड़कर बाकी सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। 5 सीटों के लिए कुल 66 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण के चुनाव में बिहार के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी के गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आरएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी के रामचंद्र पासवान की चौथे चरण में कड़ी परीक्षा होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले बात दरभंगा की करते हैं। दरभंगा में इस बार बीजेपी के गोपालगंज ठाकुर और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच सीधी टक्कर है। 2014 में यहां से बीजेपी के कीर्ति आजाद जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं और झारखंड के धनबाद से चुनावी मैदान में हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां ब्राह्मण 5,80,000, राजपूत करीब 1,00,000, भूमिहार 83,000, कायस्थ 34,000, मुस्लिम 3,80,000, यादव 2,20,000 और बनिया मतदाता करीब 1,25,00,000 हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार दो दिग्गज मैदान में हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा में सीधी टक्कर। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार वो एनडीए में थे। नित्यानंद राय को जेडीयू के 7 का फायदा हो सकता है। उजियारपुर से 2014 में नित्यानंद राय ने आरजेडी के आलोक कुमार मेहता को 60,000 वोटों से हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो इस इलाके में कुशवाहा और यादवों की ताकत अच्छी खासी है। उजियारपुर में कुशवाहा 4.5 लाख, यादव 3.5 लाख, मुस्लिम करीब 1.5 लाख, जबकि सवर्ण मतदाता करीब 2.25 लाख है। समस्तीपुर से एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान भी मैदान में है। 2014 में भी वही यहां से जीते थे। इस बार रामचंद्र पासवान की टक्कर कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम से है। 2014 के चुनाव में अशोक राम करीब 7,000 वोट से हारे थे। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां यादव करीब 5 लाख, कुशवाहा 4 लाख, सवर्ण 2 लाख और मुस्लिम मतदाता करीब 1.5 लाख है। बेगूसराय लोकसभा सीट का चुनाव इस बार देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां से बीजेपी ने गिरिराज सिंह को, महागठबंधन ने तनवीर हसन को और सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उतारा है। मुकाबला त्रिकोणीय है। गिरिराज सिंह नवादा की जगह इस बार बेगूसराय से चुनावी मैदान में हैं, तो कन्हैया यहां से सियासी डेब्यू कर रहे हैं। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं। 2014 चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह इस सीट से विजयी रहे थे। भोला सिंह ने तनवीर हसन को 58,000 वोटों से हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां भूमियार करीब 4.25 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख, यादव 2 लाख, कुशवाहा करीब 1.25 लाख, पासवान 1.5 लाख, कलवार 1.25 लाख, ब्राह्मण 50,000, जबकि कानू मतदाता करीब 85,000 हैं। मुंगेर लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बाहुबली नेता आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और बिहार के मंत्री ललन सिंह के बीच महामुकाबला है। नीलम देवी महागठबंधन के टिकट पर लड़ रही, तो वहीं एनडीए ने जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को उतारा है। 2014 में यहां से बाहुबली सूरज भान की पत्नी वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर जीती थी। वीणा देवी ने ललन सिंह को 1 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां भूमियार करीब 3.5 लाख, राजपूत 1.25 लाख, कुर्मी 2,80,000, यादव 3.25 लाख, मुस्लिम 1.25 लाख और दलित मतदाता करीब 3 लाख है। चौथे चरण का चुनाव ये तय करेगा कि जमीन पर बीजेपी और जेडीयू का तालमेल कितना असरदार है, क्योंकि 2014 में इन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। उस समय मोदी लहर थी, लेकिन बीजेपी के साथ नीतीश नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कल दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों का रुख कर चुकी हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 1944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में मतदान के लिए 11,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मुंगेर लोकसभा के निर्वाचित पदाधिकारी राजेश मीणा की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ पीसीसीपी टीम के नेतृत्व में मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। समस्तीपुर जिले की 2 लोकसभा सीटों समस्तीपुर और उजियारपुर में भी कल वोटिंग होगी। समस्तीपुर लोकसभा में कुल 1700 मतदान केंद्रों पर 16,79,030 मतदाता और 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं उजियारपुर लोकसभा में कुल 1600 मतदान केंद्रों पर 16,12,328 मतदाता 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दरभंगा में भी मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली है, लेकिन अभी से इस फेज में बढ़त बनाने का दावा सभी दलों की तरफ से किया जाना है। हर दल खुद को 20 होने का दावा कर रहा है। ऐसा लगता है कि 2014 में जो इनको रिजल्ट मिला था उसका उल्टा जो है रिजल्ट इस बार मैंने दिखाई दे रहा है। 2014 में देश में वैक्यूम की स्थिति थी। सपना दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने, 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल काम देंगे, किसानों को सपना दिखाया, अच्छे दिन का सपना दिखाया। पहले के मुकाबले आज जो है जगह जगह गठबंधन जो है बहुत मजबूत हुआ है। अब जैसे पिछला चुनाव हम लोग लड़े थे कांग्रेस के साथ गठबंधन से, इस बार हमारे साथ जीतनराम मांझी भी आ गए, हमारे साथ जो है वो मुकेश साहनी भी आ गए, तो कुनबा बढ़ा है। ये पूरी तरह से परिस्थितियां एनडीए के फेवर में है और हम समझते हैं मुंगेर सहित जितनी भी हमारी सीटें हैं फोर्थ फेज की, जो हमारी सभी सीटों पर हम लोगों का बेगूसराय, मुंगेर सभी सीटों पर हमारा बढ़त बना हुआ है और कल वोटिंग के बाद पूरी तरह से हम लोगों को उम्मीद भी है कि जनता जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ी नजर आई है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ फेज में भी पूरी तरह से खड़ी नजर आएगी। जिस तरह से 3 चरण में हम लोग जीतने जा रहे थे, चौथा चरण में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। यहाँ की जनता मन बना चुकी है एनडीए सरकार को हटाने का और हम समझते हैं जो उसमें कोई बदलाव नहीं है। 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बिहार के प्रचार मैदान में सियासी जगत के बड़े धुरंधर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने एनडीए के लिए समर्थन जुटाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पांचवें छठे चरण के दंगल पर जोर, गली गली चुनाव प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद अब नेताओं ने पूरा जोर 5वें चरण और 6ठे चरण के प्रचार के लिए लगा दिया। 5वें और 6ठे चरण की सीटों पर हेलीकॉप्टर का शोर बढ़ गया है, तो मंच से पार्टियों के स्टार प्रचारक विरोधियों पर गरजने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीतामढ़ी और सारण में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। अमित शाह ने मोदी सरकार के विकास के काम गिनाए, फिर निशाने पर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में मैं घूमता 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 आज सीतामढ़ी आया। मित्रों, चाहे मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां पर भी गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी मोदी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दो ही जगह पे मातम था, पूरा देश खुशियां मना रहा। कहां कहां मातम था भाई? एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना ही चाहिए ना, बताओ भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था राहुल बाबा लालू राबड़ी के ऑफिस में मातम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मधुबनी, शिवहर और पश्चिमी चंपारण के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए वोट की अपील की। 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं होता, कांग्रेस 55 वर्षों में जो कार्य नहीं कर पाई,
मोदी जी ने 5 वर्ष में इस छोटे से कार्यकाल में वह करके दिखाया। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा देने का कार्य भी अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। उधर बिहार एनडीए के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान और गोपालगंज में चुनावी सभा कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील की। सीएम नीतीश ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास के कामों को गिनाया। आप लोगों ने 13 वर्ष से मुझको काम करने की जिम्मेवारी सौंपी और हम निरंतर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने काम किया और हमने हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की है और अब तो गांव के अलावे कुछ टोले बचे हुए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गोपालगंज और सिवान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। क्या है तरस आता है? इन लोगों का काम है कि अपराधी को पकड़ना, उनका केस को पकड़ना, चोर को पकड़ना, अपहरणकर्ता को पकड़ना, खूनी को पकड़ना। तो ये लोग ढूंढने चलना के शराब पिया के शराब पांचवे चरण की वोटिंग 6 मई को होगी तो 12 मई को छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों में 13 सीटों पर पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी के खुद को अति पिछड़ा बताने पर सियासत गर्म हो गई है। पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हमला किया तो अब आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। वैसे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि मोदी बहुत जल्द खुद को अति पिछड़ा बताने वाले हैं और हुआ भी वही। अब इसे लेकर बिहार में फिर से सियासत गर्म हो गई है। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। बिहार की सियासत में जाति की जंग। मोदी ने खुद को बताया अति पिछड़ा। अति पिछड़ा पर सवाल, शाह की मुहर। तो प्रधानमंत्री मोदी अब अति पिछड़ा हो गए, खुद तो ये बयान दिया है, उस पर असल मुहर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने लगा दी। छपरा में कहा कि नरेंद्र भाई अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, गांव में एकांत जल भी नहीं होता। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो उसे बुलवा हूँ कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से नहीं। मैं सुश्री मायावती जी को कहना चाहता हूँ, मायावती जी झूठ एक तरीके से आप ठीक ही हो। नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा जाति से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा जाति से आते हैं। जाति की सियासत में पीएम ने खुद को अति पिछड़ा बताया है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 20 अप्रैल को ही कर दी थी। तेजस्वी ने दावा किया था मोदी खुद को अब अति पिछड़ा बताएंगे, वही हुआ। लेकिन जाति की सियासी लड़ाई में जेडीयू कुछ कहने से बच रही है। हाँ, इतना जरूर बता रही है कि मोदी की जाति रघुवर दास की जाति एक है, तो वहीं कांग्रेस को पता ही नहीं है पीएम मोदी किस जाति से आते हैं। तो हम कुछ दिन पहले ही हमने जब बिहार आ रहे थे तभी हमने ट्वीट कर दिया था कि बिहार आएंगे तो अति पिछड़ा बोलेंगे अपने आप को। अब देखिए महाराष्ट्र चले गए तो वहां बोल ही दिया। तो ये तो फर्जी ओबीसी हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं। जाति जन्म से जुड़ी हुई होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जाति है वो उड़ी वहां पर भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। रघुवर दास जी उनकी जाति से आते हैं, श्री नरेंद्र मोदी उनकी जाति से आते हैं। मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के हैं और मेरे ख्याल से विपक्ष ने कभी इस तरह की बातें नहीं की। विपक्ष जहां तक मैं जानती हूँ, खास तौर से जो कांग्रेस के नेता हैं, सिर्फ इस चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ यही मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे जनता का की मतलब है। दरअसल संसदीय राजनीति के महापर्व में चुनाव के दौरान जाति का कार्ड हर दल खेलता है।
हालांकि कैमरे पर कोई इसे माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि जाति कार्ड से वोट बैंक साधने की कोशिश हर कोई करता है। पीएम ने 2014 में खुद को ओबीसी बताया, इस बार खुद को अति पिछड़ा बता रहे हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। विरोधी उन्हें फर्जी ओबीसी बताने से परहेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार के आम चुनाव में लालू खुद एक मुद्दा बन गए हैं। दरअसल तेजस्वी बार बार अपनी रैली में आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव को साजिशन फंसाया गया और इस साजिश के पीछे जेडीयू और बीजेपी का हाथ है। लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके लालू की परेशानी की वजह राहुल गांधी को बताया। इसके बाद तो सियासत फिर से गर्मा गई। चुनाव हो या ना चुनाव हो, हम लोगों पे तो केस मुकदमा होता ही रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। बिहार में इस बार के आम चुनाव में लालू यादव खुद एक मुद्दा बन गए हैं। तेजस्वी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव को साजिशन फंसाया गया है और साजिश के पीछे बीजेपी और जेडीयू का हाथ बताते हैं। अब तेजस्वी के इन आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद की परेशानी के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। सुशील मोदी के इस पलटवार में जेडीयू का साथ मिला है। जेडीयू ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में लालू यादव पर केस हुआ था, हालांकि कांग्रेस इसे बेवजह का मुद्दा मान रही है। बीजेपी के शासनकाल में या एनडीए के शासनकाल में तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई एक्ट तो या चारा घोटाला उजागर जो हुआ, वो तो यूपीए के समय में ही हुआ था। जब किसी पार्टी की सरकार रहती है, 5 साल एनडीए की सरकार रही है और उनको अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, तो उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा ले जाके आ जाते हैं, लालू प्रसाद जी। उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। लेकिन आरजेडी विरोधियों की एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं है। आरजेडी तो दावा करती है कि लालू यादव को अभी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ताकि चुनाव में एनडीए को फायदा हो। किसी भी आदमी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, और वहाँ जो जज थे आर्यन प्रसाद, उन्होंने इसको मान लिया कि हाँ भाई, संविधान जो ये कह रहा है, इनका एक कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में इनको सजा मिल गई, बाकी जो है कॉन्स्पिरेसी पर सुनवाई नहीं होगी, सब एक मान लिया। न्यायपालिका पर शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सवर्ण जज होने के कारण लालू यादव के खिलाफ फैसला दिया गया। उनके इस बयान के बाद बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। विरोधियों ने शिवानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो सहयोगी कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया। न्यायपालिका क्या है भाई, वो भी तो आदमी ही है ना भाई। न्यायपालिका, शिवानंद के बयान से नया विवाद। न्यायपालिका पर शिवानंद का सवाल। लालू यादव की सजा के पीछे सवर्ण जज। लालू यादव को लेकर जारी सियासत में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अभी तक मुद्दा ये रहा है कि लालू यादव को साजिशन फंसाया गया है, पर साजिश के आरोप के बाद अब शिवानंद ने सवाल उठाया है कि न्यायपालिका पर कहा है कि सवर्ण जज होने के कारण लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया है। साथ दिखाता है भाई, लालू यादव उसके शिकार हुए हैं। लालू यादव 90 में मंडल कमीशन लगा और मंडल कमीशन में एकदम सीधे ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है लालू यादव हमला कर रहे थे, मैंने व्यंग कर रहे थे कि कैसे सत्यथी चिवरा दही सान के पंडित जी लोग खाते हैं। बहुत कठिन चीज है, असाधारण चीज है कि आप जिस वर्ग में जिस तबके में आपने जन्म लिया है उसके जो आग्रह हैं पूर्वाग्रह है उससे ऊपर उठ करके आप जो है फैसला दीजिए, बहुत कठिन काम है। शिवानंद के इस बयान के बाद बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। मौसम में गर्मी तो है ही, इस बयान में ये गर्मी 1 डिग्री और बढ़ गई। विरोधियों ने तो शिवानंद के खिलाफ मोर्चा खोला ही है, अपनों ने भी इस बयान को लेकर शिवानंद से पल्ला झाड़ लिया है। देखो, ये जो लोग जातियों का राजनीतिक शोषण अभी तक करते रहे उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, उनके कार्यालय बंद होने वाले हैं। उनको तो चाहिए कि अब, क्योंकि जातियों का राजनीतिक शोषण अब चल नहीं रहा है, तो उन्होंने अपने कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र का काउंटर खोल लेना चाहिए और उस जाति प्रमाण पत्र के काउंटर के आधार पर वो कम से कम अपने कार्यालय का खर्चा वगैरह निकाल पाएंगे। 1996 में चारा घोटाले में पहली याचिका फाइल करने वाले कौन थे?
शिवानंद तिवारी, जब पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कहा कि आर्मी को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो जजों की तारीफ करने वाले, उनके साथ फोटो खिंचाने वाले कौन थे? शिवानंद तिवारी और प्रेमचंद मिश्रा। उस वक्त जज सवर्ण नहीं थे, आज जज सवर्ण हो गए। न्यायपालिका ही सरकार से त्रस्त है, इसलिए आप देखे होगा कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के माननीय 4 न्यायाधीशों ने सरकार के खिलाफ जनता के बीच में अपना पक्ष रखा, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही सरकार से दुखी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।